से मैं पटना जा रहा था, स्पीड किलोमीटर दिख ही नहीं रहा था। जब गाड़ी रोड पर खड़ी हो गई थी जी सर, तो मुझे लगा कि मैं तो गुस्सा में इतना गया था कि मैं गाड़ी को क्रैश कर दूंगा। सोचो आप भी, मैं फॉर्च्यूनर छोड़ के SUV 700 छोड़ के स्टे करते अभी भेज रहा हूँ आदमी, अभी भेज रहा हूँ। फिर उन्होंने मुझे फोन कॉल पे आइडिया देने लगे कि इसको स्विच दिलाओ, इसको ये करो, बैटरी निकालो। मैंने बैटरी उटरी सारा कर नहीं हुआ। फिर अंत में उन्होंने फिर एक मैकेनिक को भेजा, वो मैकेनिक क्या हुआ आया रास्ते से लौट के चला गया। जिस टाइप से गाड़ी को आप ग्रेड कर रहे हैं उस टाइप से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने एम्प्लॉई को। मेरे साथ एक घटना हो गई, ये बंद हो गई, ब्रेक दब रहा है ना कुछ, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी है। सोचो कि 5 बजे मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई और रात को 1:30 बजे तक मैं रोड पे खड़ा रहा, पर सर्विस से लेकर नाखुश। नमस्कार दोस्तों, मैं आदित्य आप लोगों का स्वागत करता हूँ एक और नई वीडियो के अंदर। गाइस, आज की डेट में इंडिया के अंदर SUV मार्केट बहुत ही ज्यादा गर्म है, और जब आपकी जेब में 30-40 लाख रुपए हो तो ऑप्शन भी बहुत सारे हो जाते हैं, तो आपका माइंड कन्फ्यूज हो रहा है। लेकिन जब फुल साइज SUV की बात करते हैं तो वहाँ ऑप्शंस थोड़े लिमिटेड हो जाते हैं। तो एक ऐसी ही मैं गाड़ी लेके आया हूँ, और आज हमारे साथ है टाटा सफारी, और टाटा सफारी के ऑनर भी हमारे साथ हैं, झा साहब। कैसे हैं सर? थैंक यू, वेलकम टू द चैनल। झा सर ने ये गाड़ी ली है ब्लैक एडिशन, और सारी डिटेल्ड आज आपको मतलब कहानी बताने वाले हैं। तो सर सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा, ये गाड़ी आपने कब ली? हमने लिया है 5 फरवरी को। कितने की पड़ी गाड़ी सर? ये प्रॉक्स टॉप मॉडल है, सबसे टॉप मॉडल, और प्रॉक्स मतलब 32 लाख। कितनी आपने ड्राइव करी सर गाड़ी को? ड्राइव है मोटा मोटी अभी प्रॉक्स में 10,000 कंप्लीट होने वाली। आपने जैसे सर ब्लैक कलर लिया, ब्लैक ही क्यों ली? मेरे 3-4 गाड़ी हैं ऑलरेडी, तो मैं शुरू से मतलब ब्लैक मुझे अंदर से आती है कि मैं ब्लैक लूं, क्योंकि डस्टर है, बेलेनो है, इससे पहले मैंने इंडिगो रखा है, तो ये मेरी चौथी गाड़ी है। तो मैंने सोचा कि इस बार कुछ लूं तो ब्लैक, या तो फॉर्च्यूनर या तो ये। तो फॉर्च्यूनर को मैंने छोड़ के इस गाड़ी को लिया। फॉर्च्यूनर को छोड़ के आपने ली, सफारी ही क्यों ली? और भी हैरियर हो सकती थी, या फिर XUV700 हो सकती थी, स्कॉर्पियो एक भी ऑप्शन हो सकता था, और भी बस काफी सारे। सफारी ही चूज करने का कोई पर्टिकुलर रीजन सर? देखो ऐसा है कि मैंने कई गाड़ी टेस्ट ड्राइव करा, 700 को भी करा, स्कॉर्पियो N का भी करा, सारा चीज करा, ठीक है। काफी सारे हमारे दोस्त थे, सब लोग जाते थे टेस्ट ड्राइव करते थे। जब इसको भी मैंने टेस्ट ड्राइव करा, मतलब जिस समय नहीं आई थी, मैंने YouTube पे चीजें को देखा और इसका सर्च कर रहे थे, तो जितनी फीचर्स जो चीजें मुझे मतलब मन करता था कि ये होनी चाहिए, वो फीचर्स मुझे इस गाड़ी में मिली। लाइक डेट इसे वेंटिलेटेड सीट हो गया, 360 कैमरा हो गया, एडास सिस्टम हो गया। मुझे सबसे अच्छा लगता था कि मैं तो गाड़ी में बैठ रहा हूँ, आगे में AC लगा है, वेंटिलेटेड सीट चाहिए, क्योंकि कपड़े पीछे से गीले हो जाते हैं जब गाड़ी में, इंडिया के अंदर ये दिक्कत हो। तो मैंने इसीलिए इस गाड़ी को मतलब इस लेने का प्रस्ताव था कि पूरे वेंटिलेटेड सीट होने चाहिए। इस गाड़ी को लेने के लिए मैंने लगभग 3 महीना वेट करा। अच्छा, 7 सीटर मिल रही थी, मगर मुझे था कि नहीं, मुझे चाहिए तो 6 सीटर ही चाहिए, ठीक है, ताकि मेरे पीछे भी जो बैठे हैं वो भी वेंटिलेटेड सीट हो, चीजें हो, और मतलब इसकी फील, जितने लोग मेरे बैठे हैं सब होते हैं या फॉर्च्यूनर से अच्छा, तो उन्हें डिसीजन लिया सही लिया। मैं एक चीज बता दूं, सफारी एकमात्र ऐसी गाड़ी है जो अपने सेगमेंट में रियर सीट के अंदर भी वेंटिलेटेड सीट लाती है। आपको ये जो फीचर है ये एक सेगमेंट अप गाड़ियों में भी नहीं देखने के लिए, जैसे सर बता रहे हैं फॉर्च्यूनर छोड़ के लिए है, और फॉर्च्यूनर के अंदर तो ये फीचर आता ही नहीं है। तो सर फॉर्च्यूनर ना लेने का कारण, इसे ही चूज करने का कारण, जैसे कि फॉर्च्यूनर नहीं लेने का कारण ये था कि मैंने फॉर्च्यूनर भी मेरे पास है, भैया लोग हैं चलाते हैं, इसमें जैसे आप मिडिल सीट पे बैठ जाओ और 1,000-2,000 किलोमीटर भी चल लो तो आपको थकावट नहीं होगी, ठीक है। फॉर्च्यूनर पे मिडिल सीट में बैठ जाओ तो बॉडी रोल ज्यादा करती है, जैसे स्कॉर्पियो में भी देख लो, उसमें भी देख लो, आप जितने भी बड़े बड़े लोगों को देखोगे आगे ही बैठते हैं, पीछे बैठना नहीं पसंद करते, ठीक है, क्योंकि बॉडी रोल करती है, स्पीड अच्छी होती है, इसमें इस बॉडी रोल नहीं करती है। मैं यहाँ से लगभग बिहार गया था, मैं कभी हम लोग 3 आदमी चलाने वाले थे, मैं पीछे भी बैठ के फील करा, मतलब मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं पीछे बैठा हूँ, मतलब वही फीलिंग आगे वाली सारा चीज एकदम पूरा। क्योंकि सर बेसिकली ये, मैं बता दूं आपको, ये लैंड रोवर के D8 प्लेटफॉर्म पे मतलब बनी हुई है, और ये बेसिकली मोनोकॉक कंस्ट्रक्शन है, लैडर फ्रेम नहीं आती, तो इसलिए आपको इसके अंदर बॉडी रोल वगैरह नहीं मिलता। कहने का मतलब ये है कि अच्छा कंस्ट्रक्शन माना जाता है उसको। बाकी सर डिसीजन किसका था सफारी को लेने में, सिर्फ आपका था या मैम का भी था, मतलब पूरी फैमिली का डिसीजन था? मैं ये भी बताऊं, मैं अगर ये सब चीज करता हूं ना तो मैं सरप्राइज देता हूं घरों में, ये बस मेरा ही था। जब मैंने ले लिया तब घर शौक है मेरा, मतलब हॉबी है कि गाड़ी चीजें, जब मैं खरीद लिया तो फिर घर में बताया कि मैंने गाड़ी ऐसे ऐसे चीज है, आज मैं लेने जा रहा हूँ। फिर जैसे बेलेनो लिया था,
तो उसमें हम लोग थे, जैसे इंडिगो लिया था तो उसमें मेरा ही था, ठीक है ना। फर्स्ट गाड़ी टाटा की फर्स्ट फर्स्ट गाड़ी टाटा की है, फर्स्ट गाड़ी टाटा की है, इंडिगो थी जो हम लोग का अप्रोक्सीमेटली 5 to 6 ईयर अपने पास रखे। तो टाटा के साथ हमारा पुराना रिलेशन है, पुराने कस्टमर हो आप टाटा के, पुराने फर्स्ट कस्टमर, मतलब हमारा फर्स्ट रिलेशन गाड़ी के लिए एज ए टाटा का है, तो हमने इसलिए भी टाटा को चूज किया। एक्सपीरियंस हमारा अच्छा है ओवरऑल अभी तक टाटा कैसा, मतलब उस गाड़ी के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था, अच्छा था, ठीक है। और इस गाड़ी के साथ सर अभी तक ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है? अभी देखो बच्चे के लिए जैसे मैं आया हूँ, फैमिली के साथ घूमता हूँ, सनरूफ है, चीजें हैं, सीटें अच्छी है, मतलब वो सब सिर्फ फील सारी अच्छी है। बट एक मैं टाटा को बोलूंगा कि जो सर्विस को लेकर के थोड़ी सी इशू है, अच्छा, जो कि मैंने जैसे मैं एक मेरे साथ एक घटना हो गई कि मैं बिहार गया हुआ था, एक शादी में जा रहा था, ठीक है, मैं इसीलिए इस गाड़ी को लेके गया कि नई गाड़ी से जा रहा हूँ, शादी में जाऊंगा। मैं जब जाने लगा रास्ते में मैंने पेट्रोल लिया, पेट्रोल लेने के बाद जैसे थोड़ा सा गया, गाड़ी एकाएक बंद हो गई। अब इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी है, मुझे चीजें समझ में नहीं, ना ब्रेक दब रहा है ना कुछ, बीच रोड पे गाड़ी खड़ी है। अब मैं क्या करूं? अब जिनसे मैंने लिया पहले, मैं उनको कॉल किया, गौरव जी को, गौरव जी बोले कहाँ है, तो मैं बोला पटना में हूँ। फिर उन्होंने एक नंबर दिया, फिर उनको मैंने कॉल करा, वो भी बोले ठीक है मैं देखता हूँ। फिर मैंने कस्टमर केयर को कॉल करा, कस्टमर को कॉल कर रहा हूँ, फिर वो भेज, मतलब सोचो कि 5 बजे मुझे प्रॉब्लम शुरू हुई और रात को 1:30 बजे तक मैं रोड पे खड़ा रहा। अच्छा, मतलब टाटा के तरफ से कोई, मतलब जैसे होता है ना कि रोड सर्विस जो होती है आपका सर्विस होता है जो, हाँ मैंने डाला, जैसे मैंने और भी गाड़ी डस्टर है या मर्सिडीज है या चीजें हैं मैं देखता हूँ, तो जैसे महिंद्रा का भी सुनता हूँ कि उसका सर्विस अच्छा है, उस मामला में टाटा का मैं लॉयल हूँ, बट सर्विस से लेकर नाखुश हूँ, नाखुश है। हाँ, मैंने इसके लिए भी बोला कि आपको मैं तो सर्विस, आपका सर्विस सुधारो तो गाड़ी फिर आपकी अच्छी है। अब आप सोचो कि अगर फैमिली लेके रात को मैं 5 बजे से रात को 1:30 बजे तक खड़ा हूँ रोड पे, तो फिर क्या फायदा 32 लाख 35 लाख लगा के। सही बात सर, आपने एक अच्छा खासा अमाउंट इस गाड़ी पे मतलब स्पेंड किया है, इतना घंटा खड़े रात के 1:30 बजे आप खड़े हैं रोड पे, तो एक, और वो भी फैमिली के साथ पटना जैसी जगह में जहाँ पे मतलब थोड़ा मतलब आइसोलेटेड होता है वो, तो ठीक है। तो ये चीज़ें हैं सर टाटा को, ऑब्वियसली सर्विस के रिलेटेड और भी कोई इशू सर, या फिर सिर्फ ये एक इशू? नहीं, मेरा वही इशू है, उसके बाद तो आज तक कोई दिक्कत नहीं। हाँ, थोड़ा सा इसमें सिस्टम इतना दिया है कि अभी भी समझता रहता हूँ, क्योंकि ये सॉफ्टवेयर का चीज़ है, हमेशा अपडेट करते रहना पड़ता है, सर्विस सेंटर ले जाना पड़ता रहता है, कभी कभी देखोगे कि जो सिस्टम है उसका वो बिल्कुल लैक हो जाता है, बंद हो जाता है, फिर गाड़ी बंद करो थोड़ा देर के बाद फिर वो अपने आप चालू भी हो जाता है। अगर मैं कहीं अभी बाहर ले जाने के लिए सोचता हूँ ये गाड़ी को, तो अंदर में वो डर बनी होती है कि कल को ले जाऊं कहीं पे कुछ हो जाए तो इसकी सर्विस क्या। यही मेरे पास एक और पुरानी गाड़ी है, 7 साल 8 साल पुरानी डस्टर है, मैं काफी जगह लेके गया, मतलब उसको रात को 2 बजे भी मन करा कि कहीं जाना है तो लेके जा सकता हूँ। बट ये नई गाड़ी है मेरी, अभी 10,000 भी नहीं चला है, बट वो डर रहता है सर्विस को लेकर, क्योंकि मान लो रात में कहीं खराब हो गया, मिस्त्री को, नया मिस्त्री, कोई बाहर का मिस्त्री बनाएगा नहीं इसको, आप कॉल सेंटर को फोन करोगे कब आएगा, तब तक रात में आप। तो सर जो आप 1:30 बजे खड़े रहे थे, 1:30 बजे तक खड़े, उसके बाद क्या निवारण निकला उस चीज़ का? 1:30 बजे के बाद फिर उन्होंने करते करते अभी भेज रहा हूँ आदमी, अभी भेज रहा हूँ, फिर उन्होंने मुझे फोन कॉल पे आइडिया देने लगे कि इसको स्विच हिलाओ, इसको ये करो, बैटरी निकालो, मैंने बैटरी उटरी सारा कर, नहीं हुआ। फिर अंत में उन्होंने फिर एक मैकेनिक को भेजा, वो मैकेनिक क्या हुआ, आया रास्ते से लौट के चला गया। अच्छा, है ना। फिर मैंने कहा कि भाई कहाँ, बोला जाम में फंस गया हूँ सर, अब मेरा टाइम खत्म हो रहा है, मैं नहीं आ सकता। फिर मैंने उसको चीजें बोली और भी हमारे, क्योंकि मेरा नेटिव प्लेस बिहार है, तो वहाँ से और लोग आ गए, मैंने घर पे फोन करा, लोग आ गए, चीज आ गई। फिर दूसरा मैकेनिक आया, तो वो फिर आया, वो भी काफी टाइम बोल रहा था नहीं होगा, टो करना। फिर मैंने टो वाले को फोन करा, उसने, फिर टो वाला जब आया तो फिर पता नहीं कैसे ये फिर स्टार्ट हो गई। अच्छा, हाँ, अपने आप ही। वो बोला कि सर स्विच का कुछ प्रॉब्लम है और सॉफ्टवेयर का है। मैं घर ले गया, सवेरे फिर आया, उसमें सर्विसिंग वगैरह कराया, चीजें कराई, फिर वहाँ पटना से फिर मैं यहाँ आया, उसके बाद को अभी तक मतलब फिलहाल अभी कोई दिक्कत नहीं है। बट वही मेजर है कि जब नई गाड़ी लिया एक बार डर बैठ गया मन में, मतलब टाटा का डर बैठ गया है कि अब मतलब कहीं आप बाहर जाओगे इस गाड़ी को लेके तो मन में कहीं ना कहीं डर रहेगा कि आप टाटा की गाड़ी लेके जा रहे हो और कहीं खड़े ना हो जाए, रास्ते में धोखा ना मिल जाए। ये टाटा का भरोसा है भाई, देखो मैं मानता हूँ, देखो गाड़ी 5 स्टार रेटेड बनाता है, गाड़ी नो डाउट बहुत मजबूत है, और इंडिया में 5 स्टार रेटेड में मैंने स्कोरिंग होती है, तो टाटा सफारी और टाटा हैरियर अब तक की सबसे ही ज्यादा स्कोरिंग वाली गाड़ी है,
फाइव स्टार में, इवन चाइल्ड सेफ्टी की बात करूँ चाहे मैं अडल्ट सेफ्टी की बात करूँ, तो फिर भी बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं। जैसे अब रिलायबिलिटी इशू सबसे बड़ा टाटा के साथ है, सर्विस के इशू है टाटा के साथ में, कि वो अपने जैसे पटना जैसे शहर में अपने सर्विस ज़्यादा अच्छे से रखे नहीं है, ये सारे इशूज है कि छोटे छोटे शहर में जहाँ भी शोरूम है वर्कशॉप है वहाँ पे सर्विस रखना चाहिए, रोड सर्विस इनको ऑन टाइम देना चाहिए, ये सब इशू है। गाड़ी का इशू आई थिंक नहीं होगा ना, के गाड़ी वाले इशू नहीं, मतलब गाड़ी का फीडबैक कर लो तो अकॉर्डिंग टू सर्विस सर्विस इशू ज्यादा है। तो हम लोग उतना टाइम तक कोई आया नहीं मैकेनिक टाइम पे, रोड सर्विस नहीं था, कोई मैकेनिक टाइम पे नहीं आया, आ रहा हूँ भेज रहा हूँ, ये सारा इशू चलते रहा, उसी में टाइम वेस्ट गया। एंड लास्टली क्या हुआ, एक छोटा सा प्रॉब्लम था जो सॉर्ट आउट हो गया, उनको पता नहीं चला। तो जिस टाइप से गाड़ी को आप ग्रेड कर रहे उस टाइप से वो ट्रेनिंग प्रोवाइड नहीं कर रहे अपने एम्प्लॉई को चाहे सर्विस को, ये सारा इशू, मतलब सर्विस टीम इतनी मतलब कैपेबल नहीं है जो इस गाड़ी को ठीक कर पाए। हाँ, सब जगह अवेलेबल नहीं। आप बताओ कि आपको कैसी लगती है गाड़ी, मतलब बच्चों से भी पूछते हैं कैसी लगती है टाटा सफारी, कैसा लगता है? मुझे बस एक चीज में मजा आता है, वो है गाड़ी का सनरूफ। बच्चों की देखो पसंदीदा सबसे ही मतलब फीचर है सनरूफ, और मैक्सिमम जो फैमिली इंडिया में मैक्सिमम जो अपने बच्चों के लिए ही सनरूफ की गाड़ी चूज करती है। तो अब हम आ चुके हैं ड्राइवर सीट के ऊपर, आप देख सकते हो मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ। और सर सबसे पहले अब ये बता दीजिए, ये गाड़ी आपने हाईवे वगैरह पे तो चला ही लिया, सिटी में भी चलाई है, हाँ जी, एवरेज क्या देती है ये? एवरेज ये जो जाती है सिटी में 8 से 10 के बीच होती है, और अगर हाईवे पे जैसे मैं पटना गया आया तो 14 का दिया, 14 का एवरेज, हाँ जी। और जबकि हम 100 के स्पीड में चल रहे हैं बिल्कुल ला के चल रहे हैं, तो फिर 14 का। तो मैक्सिमम सर कितनी स्पीड पे ड्राइव की है गाड़ी आपने? देखो ऐसे तो जब मैंने पहली बार लिया था यमुना एक्सप्रेस वे गया था, मेरा प्रोजेक्ट है तो उसपे मैंने इसको 170-180 तक भी चलाया, मतलब पता भी नहीं लगता है कि 170-180 में गाड़ी चल रही है। अच्छा, स्पोर्ट मोड में डालोगे इसको जैसे ही चलेगा गाड़ी आपको हवा से बात करने लगे। तो बाकी सर जैसे कम्फर्ट वगैरह कैसा है इस गाड़ी को जब आप ड्राइव करते हो? कम्फर्ट तो मतलब मैं इसका बता जोर ही नहीं है, कम्फर्ट मामला में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इतना मतलब कम्फर्ट है कि जैसे मैं पीछे बैठा हूँ और हाईवे पे भी जा रहा हूँ तो मतलब फील अच्छा है, मतलब कोई भी बॉडी रोल नहीं, जैसे मैंने पहले भी बताया आपको बॉडी रोल नहीं आती है, चीज नहीं होती है, मतलब आपको फील अच्छी आती है और थकावट नहीं होता है। अच्छा, जैसे मैं सुबह को 6:30 बजे घर से निकला और शाम को 5:30 बजे मैं पटना पहुंच गया। अच्छा, तो सोचो कि और गाड़ी होती तो मैं इतना टाइम जल्दी नहीं पहुंच पाता। बाकी सर स्टीयरिंग वगैरह कैसा है इसका? स्टीयरिंग तो खैर इसका काफी स्मूथ है, आप खुद ड्राइव कर रहे हो कभी आप यू टर्न लेके आप थोड़ा सा चला के देख लो, आपको लगेगा कि स्टीयरिंग एक हाथ से पकड़ के चला सकते हो आप, दो हाथ। हाँ, इसके अंदर पहले तो हाइड्रोलिक आता था मैं बता दूं, लेकिन अब इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर स्टीयरिंग आता है। ठीक है, बाकी सर सस्पेंशन वगैरह का क्या सीन है इसका? सस्पेंशन काफी ठीक ही है, मतलब सबसे सोचो कि आपको बॉडी रोल नहीं कर रही है और मुझे स्मूथली जा रहे हैं हाईवे पे और मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है तो कंफर्टेबल है। अब जैसे आपने यू टर्न लिया, अभी 6 सीटर 7 सीटर तो मैं ऐसे ऐसे हिलता, इसमें बिल्कुल बैठा हूँ एकदम कंफर्टेबल अपने सीट पे, लग रहा है कि मैं आगे ही बैठा हूँ। बाकी सर जैसे आप इस गाड़ी को ड्राइव करते हो, ऑब्वियसली सर ये टैक्सी भी कार हो चुकी है, जो ये कंट्रोल्स हैं ये फिजिकल तो नहीं है सर, ये डिजिटल है, तो इनका क्या सीन है, चलाते हुए कंट्रोल कर पाते हो, दिक्कत होती है नहीं होती, क्या इनका सीन है सर? अब तो आदत हो गई, अब तो कोई आपको देखो आपके सामने जो फैन जैसा दिया हुआ एरो उसको आप टच करोगे, जैसे इधर करोगे तो कम होगी, इधर करोगे ज्यादा होगी। एसी का नो डाउट बहुत अच्छा है, हमारी ये थर्ड या फोर्थ गाड़ी होगी तो नो डाउट एसी बहुत अच्छा है, मतलब अभी काफी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है सब जगह का, हम लोग कहीं से भी ऐसे शॉपिंग करके मार्केटिंग करके आते हैं और अगर कुछ समझ भी नहीं आता तो चलो बोलते हैं गाड़ी में बैठ जाओ टिचिल हो जाएंगे, तो एकदम नो डाउट एसी बहुत अच्छा है, टू गुड है, फ्रेंडली है, उसको मैनेज करना ड्राइव करते हुए इसलिए आप उसको कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ड्राइव किया है इसलिए मुझे भी मालूम है थोड़ा बहुत। अच्छा मैम, आप भी ड्राइव? हाँ, मैं ड्राइव करती हूँ। तो मैम आपका एक्सपीरियंस कैसा है इस गाड़ी को लेके, ओवरऑल ड्राइविंग एक्सपीरियंस? मैंने नोएडा में नहीं पटना में तो ड्राइव किया है, तो फर्स्ट टाइम ड्राइव की थी, बहुत अच्छा लगा मुझे, मतलब मैं आराम से इजली, एक बार कमल ने बता दिया और मैं इजली ड्राइव करके अपने घर पहुंच गई जहाँ थी वहाँ से, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मेरा एक्सपीरियंस ओवरऑल अच्छा है। बाकी के ने कमल ने लिया है तो उनको ज़्यादा नॉलेज है, मेरा अभी तक का एक्सपीरियंस अच्छा इसलिए है क्योंकि कम्फर्ट लेवल मेरे लिए टू गुड है एंड दैट्स वाई रीजन कि मैं बहुत हैप्पी। बाकी सर इसके अंदर गाड़ी के एडास भी आता है, तो कभी यूज किया सर एडास? एडास का मतलब ये होता है कि जब हम क्रूज लगाते हैं, आप वो देखो जैसे थोड़ा सा चलो आप क्रूज लगा के देखो तो जैसे लेन में चल रहे हो तो नहीं, दूसरी बात है कि ब्रेक
कभी जैसे आएगा ना गाड़ी, आपका गाड़ी 20 के 25 के स्पीड में कोई गाड़ी आ गई तो ब्रेक ऐसे मारेगा जैसे लग रहा है कि आपको एकदम ये हो गया। अच्छा, गाड़ी बिल्कुल खड़ी हो जाती है। ठीक है, अडास का मतलब मैंने नई नई जब लिया था तो मुझे उतना नहीं समझ में आया था। मैं जैसे चार मूर्ति से निकला, एक मूर्ति आया और गाड़ी आई घुस गई, एकदम मेरा गाड़ी बिल्कुल खड़ा हो गया। अच्छा, और मुझे लगा क्या हो गया, बिल्कुल गाड़ी सीधे, मतलब वो एडास का फीचर था। हाँ जी हाँ जी, ये समझ में आती है। लॉन्ग ड्राइव में जा रहे हैं तो हम लेन असिस्ट में अगर डाल दिया, अगले गाड़ी स्लो हो जाएगी तो मेरी गाड़ी भी स्लो हो जाती थी, वो मतलब अडैप्ट कर लेती है सामने वाली गाड़ी। हाँ जी हाँ जी, ये एडास के अंदर आता है। तो सर क्या कहोगे, एडास मतलब इंडियन रोड के अकॉर्डिंग सेफ फीचर है या नहीं? नहीं सेफ है, देखो ये है एक्चुअली काम कब करता है, जब मैं लॉन्ग ड्राइव पे जा रहा हूँ, कहीं बाहर जा रहा हूँ और सुबह का समय होता है, जब छपकी आती है, चीजें होती है, उस समय इसका हम मुझे लगता है कि उसमें मेजर इसका काम करता है। जैसे आप जा रहे हो, गलती से आंख आपकी झपक गई है ना, तो फिर उस समय आपको ये काम कर, मतलब कोई गाड़ी आ गई का एक, तो ये आपको संकेत दे देगा, प्लस बोलने भी लगता है। यहाँ पे कैमरे का फीडबैक कैसा है इसके? कैमरा तो काफी अच्छा है, बट वही है कि कभी कभी क्या हो जाता है, ये हैंग हो जाता है। अच्छा, ये भी हैंग हो जाता है? हाँ जी है, पूरा सिस्टम ये हैंग हो जाएगा। अच्छा, फिर उसको रिस्टार्ट, पहले तो समझ में नहीं आता था मुझे, अब फिर सीखा हूँ कि इसको रिस्टार्ट करता हूँ फिर ठीक हो जाता, सही हो जाता है। अच्छा, मतलब एक बार अगर हैंग हो गया तो गाड़ी को बंद करो। हाँ, और फिर दोबारा स्टार्ट करो। हाँ जी, बंद तो, करो या नहीं तो, हाँ बंद करने के बाद ही ऊपर से रिस्टार्ट होता है वो। अच्छा, हाँ तो ये मतलब मेल फंक्शन है। हाँ, कभी कभी ये भी हो जाएगा, आपका सामने जो आपका ये है दूसरा वाला जो जिसमें मीटर वगैरह दिख रहा है, ये वाला MID की बात कर रहे हैं, वो भी कभी कभी हैंग हो जाता है। अच्छा, कभी देखोगे कि किलोमीटर नहीं दिख रहा है, कभी देखोगे स्पीड नहीं दिख रहा है। जैसे मैं पटना जा रहा था, स्पीड किलोमीटर दिख ही नहीं रहा था। अच्छा जी, तो सर इस जैसे कभी टाटा वालों से कहीं नहीं आपने बात, ये हैंग हो जाती है? बताया है मैंने तो बोलता है सर सॉफ्टवेयर का होता है, अप टू डेट करो। जैसे अभी मैंने अप टू डेट कराया उसके बाद से नहीं हो रही है, मगर जब मैं लिया था उस समय ज्यादा हो रहा था। टाटा के साथ आपका ठीक ठाक अच्छा खासा एक्सपीरियंस है, तो सर किसको लेनी चाहिए या किसी को रेकमेंड करोगे भी या नहीं? नहीं, रेकमेंड करने में है कोई दिक्कत नहीं है, गाड़ी तो नो डाउट अच्छी है, फैसिलिटी चीज है, ठीक है। सर्विस को लेकर के मुझे एक बार दो बार प्रॉब्लम हुई, बट इसको अगर टाटा और अच्छा कर ले तो मुझे लगता है कि इसका कोई तोड़ नहीं है। अगर सर्विस को इन्होंने थोड़ा सुधार लिया और तो इनका मुझे लगता है कि इसका कोई फिर तोड़ नहीं है, फिर इसके जैसा कोई गाड़ी नहीं है। आपको मतलब कि कभी लगा कि ये गाड़ी लेके गलती करी, कभी ऐसा फील हुआ? वो लगा था जब मैं पटना गया था, जब गाड़ी रोड पर खड़ी हो गई थी जी सर, तो मुझे लगा कि मैं तो गुस्सा में इतना गया था कि मैं गाड़ी को अभी मैं ये कर दूंगा, क्रैश कर दूंगा और इंश्योरेंस करूंगा मैं, मतलब बहुत गुस्सा आया था। अच्छा, और चलो ठीक है, गाड़ी है, मशीनरी चीज है, कभी क्या हो सकता है ना, उस दिन गुस्सा आया, बाकी तो फिर उसके बाद आज तक कोई प्रॉब्लम, उसके बाद फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। फिर तो मेरा मतलब फेवरेट है, ब्लैक तो मेरा फेवरेट कलर है। सफारी भी फेवरेट हो गई? सफारी भी मेरी फेवरेट हो गई, मतलब सोचो आप ही में फॉर्च्यूनर छोड़ के, मैंने SUV 700 छोड़ के उसमें ब्लैक नहीं आ रही थी, है ना, इसी वजह से आपने ब्लैक लिया। इसी वजह से आपने मतलब SUV नहीं ली? हाँ, SUV नहीं लिया क्योंकि ब्लैक नहीं आ रही थी, एक तो ब्लैक नहीं थी, दूसरी चीज थी कि उसमें 6 सीटर नहीं था। अच्छा, है ना, कैप्टन सीट नहीं थी, वेंटिलेटर सीट नहीं था, तो ये सब कुछ कुछ चीजें वजह से मैंने नहीं ले पाया। फीचर, बेसिकली फीचर। हाँ जी, इससे 2-3 लाख रुपए कम में ही मुझे मिल रहा है। जैसे स्टीयरिंग है इसके, ये जो टाटा का आजकल डिजिटल लोगो आता है, और ये हॉर्न वगैरह बजाने में कोई दिक्कत होती है? नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। 2 लीटर का इंजन है, मैं बता दूं आपको, क्रायोटेक इंजन इसके अंदर मिलता है, अच्छा खासा पावर एंड टॉर्क इसके अंदर अपने को देखने के लिए मिल जाता है। ठीक है, टाटा के साथ थोड़े से अपने रिलायबिलिटी इश्यूज देखने के लिए मिल जाते हैं, लेकिन अगर टाटा उनको ओवरकम कर ले तो प्रोडक्ट नो डाउट टाटा अच्छे तो बनाए रहा है JLR की कोलैबोरेशन के साथ। ठीक है, तो ये थी एक वीडियो, आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। अगर ऐसी वीडियोस और देखनी है तो सब्सक्राइब कर लेना, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टिल देन, बाय बाय।